तो भाई आज वीडियो होने वाली है फुल टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो वीडियो को एंड तक देखना ठीक है, तभी तुम्हें जाके वीडियो समझ में आएगी। तो भाई तुम्हें ना इस ट्रिक के लिए ना पोर्टल स्टेप की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, ठीक है, इसके बिना तुम्हें ये गलीज होगा ही होगा नहीं। तो तुम्हें क्या करना है भाई, पहाड़ी के ऊपर आना है, जोरजो पुल की पहाड़ी पे ट्रिक काम करेगी। और तुम्हें पता ही होगा भाई यहाँ पे ना 30-40% फाइट चांस है, हर गेम में चांस होते हैं यहाँ पे फाइट होने के। तो तुम्हें सिर्फ पोर्टल स्टेप लेना है भाई और पहाड़ी के ऊपर आ जाना है और इसी सेम लोकेशन पे ट्राई करना है। होते दो और भी जगह है बट तुम्हें ना सेम यहीं पे आना है। यहीं पे आने के बाद तुम्हें जैसे मैंने सेम स्टार्ट किया ना वैसे करना है। अभी देखो एक बंदा आया था भाई, उसकी इतनी गंदी कल्स आई है ना, मैंने बंदे को पता ही नहीं है बंदा है कहाँ भाई। बंदे को ना इतना इतना इरिटेट कर दिया ना मैंने, बंदा दुखी होकर फिर मैं भाग ही गया, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें फुल टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आएगी। तो देखो भाई बंदा परेशान हो गया, ठीक है भाई, कूद गया वहां से भाग गया। तो दूसरी ट्रिक काम कर रही है भाई अपनी, जो एक नए घर मतलब गुफा लगा लो, ठीक है। अभी आए ना तो बंदा आते सीधा क्या करता भाई, भाग के ना उधर अंदर भागता है या नीचे कूदेगा भाई, ठीक है, दो ही ऑप्शन होते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, इस यहाँ पे आना है, सेम टू सेम अप्लाई करना है ऐसे जंपिंग, ठीक है। उसके बाद रोटेशन देके यहाँ पे आपने जंप कर देना है। जंप करने के बाद भाई तुम यहाँ पे आ जाओगे बड़े इजी तरीके से। आने के बाद भाई तुम्हें यहाँ पे लेट जाना है या बैठ जाना है। हाँ तुम्हें हिलना नहीं है भाई, हिल जाओगे तो बंदे को पता लग जाएगा कोई बैठा है, ठीक है। वैसे बंदे को 1% भी डाउट नहीं होगा क्योंकि जो भी आएगा ना सीधा आगे की तरफ भागेगा, तो ठीक है। तो ये ट्रिक ना तुम्हें बहुत काम आएगी। तो अगली ट्रिक है भाई, जो अभी एक केक का कुछ इमोट सा आया है, ठीक है, केक के बारे में एमिनेशन से आया है, तो ये यहाँ पे काम करेगी। सेम टू सेम आना है भाई, ठीक है। इसके लिए भी तुम्हें ना पोर्टल स्टेप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पोर्टल स्टेप की भाई तुम्हें हर जगह जरूरत पड़ेगी, बहुत टिप्स एंड ट्रिक निकल के आ रही है। तो आपने क्या करना है, सेम टू सेम यहाँ पे आना है और अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद भाई तुम यहाँ पे आराम से बैठ जाओगे। और बैठने के बाद ना भाई तुम्हें ना, ठीक है, तुम्हें ना बंदों के तरफ उंगली करनी है, चुल करवानी है उनको, ठीक है। हल्का सा फायर कर देना, एक एक दो दो गोलियां चला देनी है, ठीक है, कि बंदों को चुल हो जाए कि बंदा बैठा कहाँ है, बंदा है कहाँ पे, ठीक है। बंदे को चुल होते तुम्हारे नीचे आसपास कहीं ना कहीं आएंगे और तुम बहुत इजी तरीके से बंदों को मार सकोगे, ठीक है। वो तुम कैसे मारोगे ना भाई, वो तुम्हें अभी मैं वीडियो में एंड तक दिखाता हूँ। तो सबसे पहले भाई मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैठ के चुल करने लग जाता हूँ बंदों को, ठीक है भाई, बंदों की डेट करने लग जाता हूँ। तो सामने फाइट हो रही थी, मेरे नीचे भी एक बंदा आ चुका था, तो मैं वहाँ भी फायर कर देता हूँ और नीचे भी भाई फायर वायर कर देता हूँ, बम फेंक देता हूँ। बंदे को हो चुकी है भाई फुल चुल कि बंदा है कहाँ कहाँ नहीं, ठीक है। उसके बाद बग्गी वाले रेस्ट कर देते भाई सामने वाले, क्यों उन्हें भी नहीं पता है भाई मैं बैठा कहाँ हूँ, है कहाँ बंदे। तो भाई ऐसी लोकेशन पे बैठा था कि उन्हें पता नहीं लगा मैं हूँ कहाँ, ठीक है। तो रोड क्रॉस करते हैं तो मेरे को मिल जाता है थोड़ा सा व्यू लोकेशन उनकी, ठीक है। तो भाई मैं तभी भर देता हूँ बंदे को, ठीक है। भरने बाद भाई मैं सिर्फ मोली फेंक देता हूँ, मेरे को पता है बंदा पीछे भागेगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं मोली बम फेंक देता हूँ भाई, बंदा हो जाता है फुल वहीं पे फिनिश, ठीक है। उसके बाद एक बंदा बच जाता है, बंदा बचने बाद भाई अंदर भाग जाता है, ठीक है। मेरे को पता था वहां बैठा है, मैंने थोड़ा व्यू से देख लिया था। तो उसके बाद बंदा सामने आता है, भाई सामने आते ही मैं भर देता हूँ, ठीक है भाई। तुम यहाँ से ना इजी पीजी ना बंदों का आराम से मार सकते हो, मैंने दो बंदे तो तुम्हें मार के दिखा दिया है, तो तुम 1v4 भी कर सकते हो। और भाई मैंने डांस कर दिया मरते ही उनके, ठीक है भाई। उनकी इतनी गंदी किल्सी होगी ना भाई, मेरे को गालियां दी होगी बहुत ज्यादा, मेरे को पता है। तो उसके बाद भाई तुम्हें ना एक ऐसा इवेंट भी मिलेगा, ठीक है, जैसे एक पिछले मोड में भी याद आना कि इसमें वहां पे आपको लूट मिलेगी ऐसे इवेंट सा टाइप में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, तो सबसे पहले भाई आपने इसके पास आ जाना। पास आने बाद भाई तुमने ना गौर से ना बेल्ट है ना जो ये सामने टंगी हुई है चैन सी, ठीक है, बेल्ट लगा लो। तो इनको ना ध्यान से देखना है। तो भाई तुम्हें नोटिस क्या करना, फर्स्ट ये वाली और लास्ट वाली, ये तीनों चमकी थी और इन तीनों पे फायर कर देना है। फायर करते ही भाई तुम्हें लूट ही लूट मिलेगी, फुल लूट मिलेगी। तो वीडियो में यही था मेरे भाई, होप सो आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना भाई लाइक जरूर करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और भाई कॉमेंट जरूर करना। कॉमेंट करके भाई बताना जरूर आपको कौन सी चीज अच्छी लगी है नहीं लगी है, ठीक है। और भाई कमेंट में ना ये जरूर बता देना अगर तुम्हें किसी और चीज पे ट्रिक्स चाहिए ना, टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, गलीच चाहिए, ठीक है, तो कुछ भी आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना मेरे भाई। बाकी आज की वीडियो में यही था मेरे भाई, होप सो आप सभी को अच्छी लगी होगी।